नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। विस्तारित दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागने की क्षमता से लैस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल। नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए विशाखापट्टनम श्रेणी के 4 विध्वंसक युद्धपोत में से यह तीसरा युद्धपोत। लाल सागर में जहाज एमवी साई बाबा पर ड्रोन हमले के बाद हमलावरों पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा किसी ने भी हमला किया है हम उसे समुद्र की गहराइयों से भी ढूंढ निकालेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बंगाल पर किया फोकस, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। चुनाव के लिए बनाई गई कमेटी, अमित शाह नड्डा समेत 15 सदस्य शामिल। बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें, नीतीश संभाल सकते हैं अध्यक्ष पद। भाजपा का तंज बलिगिरिराज, ललन के लिए बंद हो चुके हैं भाजपा के दरवाजे, ललन ने इस्तीफा देने की खबरों को किया है सिरे से खारिज। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 412 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4170 हुई। देश में JN1 वेरियंट के कुल 69 मरीज। कोरोना के JN1 वेरिएंट को हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला इकाइयों को जारी किया परामर्श, जुकाम बुखार या खांसी के लक्षणों वाले लोगों को कोविड 19 की जांच कराने की सलाह, लोगों से मास्क पहनने की अपील। विशाखापट्टनम में कोरोना वायरस से संक्रमित 51 वर्षीय महिला की एक अस्पताल में मंगलवार को मौत, अधिकारी ने बताया। मृतक का बी सोमकला की हो सांस संबंधी गंभीर समस्या, किडनी और विभिन्न अंगों के काम बंद करने के बाद यहाँ एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण 12 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा, 11 उड़ानों को जयपुर जबकि एक को लखनऊ भेजा गया, कई उड़ानों में देरी। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने कहा मैं राम मंदिर उद्घाटन समारोह में नहीं जाऊंगा, जिसको जाना है जाए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा न्योता सभी को भेजा गया है, वही आएंगे जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का किया खंडन, कहा खबर बेबुनियाद, मैं अध्यक्ष पद से नहीं दिया है इस्तीफा। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 29 दिसंबर को नई दिल्ली में होगी। रामलाला प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 100 विमानों की होगी लैंडिंग, देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु, आसपास के जिलों में स्थित हवाई अड्डों पर पार्किंग की व्यवस्था। आरबीआई को मिला धमकी भरा ईमेल, सीएनएन न्यूज 18 के मुताबिक मेल में मुंबई के 11 स्थानों पर बम लगाने की खबर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से इस्तीफे की मांग। जैकलिन फर्नांडिस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा भेजे गए पत्रों को लेकर एक याचिका दायर की है, सुकेश व नाराज। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक आवेदन देकर कहा जैकलिन ने अपनी याचिका में कई तथ्य छुपाए। तमिलनाडु में ईडी और लोकल पुलिस के बीच भिड़ंत, दोनों ही पक्षों ने मामले की दर्ज कराई एफआईआर। मदुरई स्थित ईडी दफ्तर में अधिकारियों के घुसने के बाद शुरू हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट में करण सिंह वर्मा सबसे ज्यादा उम्र 68 साल के मंत्री, दूसरे नंबर पर 67 साल के कैलाश विजयवर्गीय, राधा सिंह की उम्र 45 साल। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रालय में हुई डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक, 6 महीने की कार्य योजना पर मंथन, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी जल्द। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह की जिलाध्यक्षों के साथ बैठक, विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की भी समीक्षा, गुटबाजी का मुद्दा भी गुजरा। सारे शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही, बीएसई सेंसेक्स 230 अंक की तेजी के साथ 71,337 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी भी 92 अंक की बढ़त के साथ 21,441 अंक पर हुआ बंद। बारहवीं फेल और तेजस की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस, बारहवीं फेल की स्ट्रीमिंग 29 दिसंबर डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर होगी, तेजस को Z5 पर 5 जनवरी को देखा जा सकेगा। अरबाज खान ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से 24 दिसंबर को किया निकाह, यह अरबाज की दूसरी शादी है। पिता सलीम खान ने शादी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शादी है, कोई गुनाह नहीं। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन, ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।